हेलो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप अभी अभी यूट्यूब पर आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 ऐप्स के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इन 5 ऐप्स में कोई एक ऐप भी अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं उन 5 ऐप्स के बारे में जो हर यूट्यूबर के पास होना ही चाहिए। नंबर 1 पर है ओपन कैमरा। यह एक वीडियो रिकॉर्डिंग ऐप है। अगर आप फेसकैम वीडियो शूट करते हैं तो इसकी मदद से आप अपने वीडियो को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस ऐप की कैमरा क्वालिटी बाकी कैमरों से काफ़ी अच्छी है, इसलिए लगभग सभी यूट्यूबर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस ऐप का यूज करते हैं। तो आप भी अपने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस ऐप का यूज कर सकते हैं। नंबर 2 पर है पावर डायरेक्टर। अब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हमें अपने वीडियो को एडिट करना होता है, तो आप अपने वीडियो को एडिट करने के लिए पावर डायरेक्टर ऐप का यूज कर सकते हैं। इस ऐप में काफ़ी सारे फीचर्स और इफेक्ट्स दिए गए हैं जिसे आप अपने वीडियो को एडिट करते टाइम यूज कर सकते हैं। वैसे वीडियो एडिट करने के लिए एक और ऐप है जिसका नाम काइन मास्टर है। यह ऐप भी पावर डायरेक्टर की तरह ही है, बस थोड़े बहुत सिस्टम दोनों में अलग अलग है। तो अपने वीडियो एडिटिंग के लिए आप इस ऐप का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप काइन मास्टर ऐप का ही यूज करें, क्योंकि इस ऐप को आप आसानी से और काफ़ी कम टाइम में ही सीख सकते हैं। क्योंकि मैं भी अपने वीडियो एडिटिंग के लिए काइन मास्टर ऐप का ही यूज करता हूँ और मुझे भी काफ़ी कम टाइम लगा इस ऐप को सीखने में। बाकी आप दोनों ट्राई करो, आपको जो ठीक लगे आप उसी ऐप से अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। नंबर 3 पर है पिक्सल लैब। इस ऐप से आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए एक अच्छा सा थंबनेल बना सकते हैं। इस ऐप में आप चैनल आर्ट भी बना सकते हैं। ये एक इमेज एडिटर ऐप है जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट, टेक्स्ट इफेक्ट्स, टेक्स्ट कलर, स्टिकर्स, इमेज इफेक्ट्स आदि। नंबर 4 पर है यूट्यूब स्टूडियो। इसे YT स्टूडियो भी कहा जाता है। इस ऐप से आप अपने YouTube चैनल को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं, जैसे वीडियो टाइटल, डिस्क्रिप्शन टैग डाल सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं, थंबनेल अपलोड कर सकते हैं, वीडियो एनालिटिक्स, रिवेन्यू, सब्सक्राइबर, वॉच टाइम और व्यू देख सकते हैं, किसी के कमेंट का रिप्लाई भी दे सकते हैं। एक शब्द में कहूं तो YouTube स्टूडियो से आप अपने YouTube चैनल को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। और नंबर 5 पर है गूगल एडसेंस। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि YouTube से जो हम पैसा कमाते हैं वो पैसा एडसेंस अकाउंट में ऐड होता है और एडसेंस से ही हमारे बैंक अकाउंट में सेंड होता है। तो आप इस ऐप से अपने एडसेंस अकाउंट को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। खैर, इस ऐप से जरूरत तब पड़ेगी जब आप अपने YouTube चैनल से पैसा कमाने लगेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। क्या आपको इससे पहले इन ऐप्स के बारे में पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।